देखो दोस्तों, अब यही फॉर्मूला जो हमने लास्ट टाइम सीखी थी, क्या सीखा था हमने लास्ट क्लास में? s प्लस एस इज इक्वल टू टू एस सी, सी प्लस सी इज इक्वल टू टू सी सी, सी माइनस सी इज इक्वल टू माइनस टू एस एस, एंड एस माइनस एस इज इक्वल टू टू सी एस। ओके, तो लास्ट टाइम जो हमने सीखा था वो हम फॉर्मूला लेफ्ट से राइट की तरफ यूज कर रहे थे, बराबर है? ओके, आज हम ये स्ट्रक्चर चेंज करने वाले हैं। मतलब आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग राइट साइड वाला वर्जन जो है वो पहले यूज करेंगे। मतलब मैं राइट साइड को पहले यूज करूंगा, बराबर? ठीक है, एंड इसके पीछे मैं ये यूज करूंगा। तो अब मेरा काम हो गया ये फॉर्मूला दोस्तों, अब भी वही की वही है, कोई चेंज नहीं है, बट एक छोटा सा जो चेंज आया है वो समझ लो, बराबर है? वहां पे आप क्या करते थे, डिवाइड बाय टू करते थे कि नहीं, याद है ना? अब यहाँ पे डिवाइड बाय टू नहीं करना है। जब दो लोग मिलते हैं ना, तो दोनों की प्रॉपर्टी जो होती है वो, मतलब इसकी उसकी और दोनों की मिला के हो गई, अब वो डिवाइड बाय टू हो गई। और जब दो लोगों का डिवोर्स होता है ना, तब तू तेरा ले जा मैं अपना, ऐसा होता है, समझ गए? देन इट इज नॉट डिवाइडेड बाय टू। मेरे कहने का मतलब, जैसे कि अगर मेरे पास क्वेश्चन है 2 sin 6x into cos 4x, तो ये कौन सा फॉर्मेट है? 2sc है ना। व्हाट इज 2sc? ये रहा, यहाँ पे दिखाई दे रही है एस फॉर्मूला, साइन प्लस प्लस साइन। साइन प्लस साइन। अब पहले वाले में इन दोनों का एडिशन करो, 6 और 4 10, और दूसरे वाले में डन। सब्ट्रैक्शन करो, 6 में से 4 गया 2x। अब आप खुद ही सोच लो, लास्ट क्लास में आप ये सीखे थे साइन 10x प्लस साइन 2x का, तो आपको ये करना आता है। अब आपको यहां से इधर जाना है, खोपड़ी में घुस गया पूरा? यस सर, हाँ सर, यस सर, प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, हाँ हाँ सर, हाँ यस सर, चलो 5 सम प्रैक्टिस के। ओके, रेडी स्टेडी गो। ओके, यू कैन रेज योर हैंड और यू कैन स्पीक ऑल्सो नाउ। यस, स्टार्ट, माइक ऑफ रखो प्लीज। साइन 8x माइनस साइन 2x। यस, वेरी गुड। साइन 8x माइनस, देखो यहां सबका पॉपर होता है, साइन क्या हुआ, ये 3x माइनस 5x। नाउ टेल मी व्हाट इज 3x माइनस 5x? माइनस टू एक्स ना। माइनस 2x। ओके, तो जरा देखना, हाँ, साइन 8x माइनस साइन, ये बच्चा लोग माइनस 2x हुआ, बराबर है? अब तुम बड़े हो गए हो, है ना? तो ये माइनस माइनस प्लस। बस ओके, मेरे कहने का मतलब तुम बड़े हो गए हो, इसका मतलब ये था कि ये जो 2cs दिख रहा है ना, बराबर है? क्या मैं इसको ऐसे नहीं ट्रीट कर सकता था, 2 sin 5x into cos 3x? अब तो ये 2sc हो गया। 2sc बोले तो, 2sc बोले तो प्लस साइन 8x प्लस साइन 2x। जो जल्दी ना पढ़ियो, इजी ना पढ़ियो, पढ़ियो क्या नहीं? तो एक बात याद रहे, जब प्रोडक्ट में दिया हो ना, तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ बड़े वाले एंगल को आगे रखने का, ताकि ऐसा पंगा ना हो। आंसर दोनों में राइट आता है, समझ गए? यस, यस। प्रज्ञा सर मैंने बोला। फोरम में बोली। हाँ, हाँ, बोलो बोलो बोलो। આપણે લાસ્ટ ટાઈમ જ્યારે આપણે જ્યારે ફોર્મ્યુલા શીખ્યા ત્યારે કોઈ બી એવું ડાઉટ પૂછ્યું હતું ને કે અગર -2SS ની લાઈક 2CS માં અગર આપણે સાઇન આગળ લઈ લઈએ તો
તો ડિફરન્સ ના આવવો જોઈએ. ત્યારે તમે એવું કીધું હતું કે ડિફરન્સ આવે તો આમાં બી આપણે કરીએ તો ડિફરન્સ આવવો જોઈએ ને. જો એ મેં એટલા માટે કીધું હતું, તારું ખતરનાક યાર તારું મેમરી છે. તો એ આ આ 2CS છે ને બેટા, ઓકે. હવે જો તું આમાં આગળ લઈ લઈશ ને તો શું થશે, તારી ફોર્મ્યુલા આ વાળી થઈ જશે S + S. ઓકે સમજાયું? હા 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 સમજી ગઈ. એટલે એટલે ત્યારે મેં કીધું હતું કે તમે રિલીજિયસલી પહેલા આ સ્ટિક કરો, કારણ કે હંમેશા સી યે ફોર્મ્યુલા કા ટ્રિક ક્યા હૈ, ઇન સબ કે અંદર ક્યા હોતા હૈ, એડિશન ડિવાઇડ બાય 2. ઇન સબ કે અંદર ક્યા હોતા હૈ, સબટ્રેક્શન ડિવાઇડ બાય 2. ઇન સબ મે ક્યા હોતા હૈ, ઓન્લી એડિશન. ઇન સબ મે ક્યા હોતા હૈ, ઓન્લી સબટ્રેક્શન. બરાબર? ચલો ફિર સે તુમ્હારી બારી. રેડી સ્ટેડી ગો. સાઇન 2 sin x by 2 cos 3x by 2. એક શાના હે, એક દેટ શાના હે. sin 4x plus sin 2x x. sin 2x minus sin x. વાહ દોસ્ત વાહ, કિતને લોગ કા સહી હે. યસ સર. નાસે ડિવાઇડ બાય 2 કરના, તુને ડિવાઇડ બાય 2 નહીં કિયા. અ સોરી, તુને કુછ જ્યાદા હી કર દિયા વો. હા ધ્રુદીપ બોલો. ધ્રુદીપ પ્રૂ આતા નહીં કર બોલતો. સર નહીં પતા. અલા નહીં પતા ચલા. માઈનસ કઈ થી આવે? માઈનસ કઈ કે કરું 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 કરું. તમે પૂછો જો આ એકદમ બિગિનિંગ છે, અહીંયા ડાઉટ રહી ગયો ને તો પછી છેક સુધી ડાઉટ રહી ગયો. ઓકે એકદમ ક્લિયર થઈ જાઓ કે બધી ટ્રિક્સ આમ તેમ કેમ રમવાનું. સી 2CS દેખાય છે? 2CS બોલે તો હા સર, તો પડી ગઈ. sin માઈનસ sin. અબ પહેલે મે ક્યા 3x / 2 + x / 2. દૂસરે મે ક્યા? और मैंने क्वेश्चन में क्यों आगे आगे बड़ा एंगल कर दिया ताकि जल्दी हो जाए. अब देखो ये आंसर आ गया. बोलो. यस सर. यस सर. यस सर. ओके नेक्स्ट. साइन 6x साइन 2x. ચલો 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 ટન ટન ટન. cos x - cos. હા સૃષ્ટિ શું બોલી? cos 8x - cos 4x. ના સર, આગળ 2 છે ને. નથી. cos 4x / cos 2x. કમલેશ બેટા નહીં. cos 3x - cos 2x. એ બધાનું પપટ, બધાનું પપટ, બધાનું પપટ. cos 4x - cos 3x / 2x. સૌથી પહેલા લાલ કલર નું માઇનસ 2 ઉપર કરવાનું, માઇનસ 2 નીચે કરવાનું. કોઈ કર્યું છે? ના સર. નથી વાત સાંભળો ડોરેમોન. ઓકે અબ ઉપર માઇનસ 2 ક્યા હોગા? cos 8x - cos 4x / માઇનસ 2. ધેટ્સ ઇટ સર. બોલ સર.
अभी ये माइनस साइन को ऊपर ले जाएगी तो cos, हाँ, ये ऐसी मस्ती सदा कर सकते हो तुम, तो ऐसा हो गया cos 4x माइनस cos 8x अपॉन 2। बट बच्चा लोग याद रहे, सरदार की तरह इंजीनियरिंग मत करना, ओके okay? इसका आंसर लोग मुझे cos 2x लाके देते हैं। और पता है लॉजिक क्या देते हैं कैसे? हाँ मैं वही बताता हूँ कि देखो सर, इन दोनों में से cos कॉमन निकल गया, निकला कि नहीं? मैंने कहा हाँ बराबर है, cos cos कॉमन, अंदर क्या बचा 4x minus 8x, क्या हुआ minus 4x, बराबर ओके okay? अब ये minus 4x जो है उसको नीचे 2 डिवाइड करता है, करता है कि नहीं? बराबर है, तो ये हो गया cos minus 2x। अब cos तो इवन फंक्शन है, आपने बोला था तो आया ना cos 2x। अब मैं उसको कैसे समझाऊं? अब बोलो सर, हमने समझाया कि आ अटूट बंधन है, कोई टूटे नहीं है, cos 4x हमेशा साथ ही रहे। तो मैंने उसको समझाया कि sin 60 minus 30 बराबर, तो तेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए ना सर, क्या रॉन्ग हो तू? हाँ तो ध्वनि सिंह, गुड मॉर्निंग ध्वनि, गुड मॉर्निंग ध्वनि सिंह, ध्वनि सिंह ओके। तो साइन 60 माइनस साइन 30 छे, तो साइन कॉमन काढ़ियो, तो वो मुझे वापस सिखा रहा है हाँ बराबर है। तो मैंने कहा अभी साइन कॉमन निकाला, 60 माइनस 30 साइन 30, तो सीधा साइन 30 का कर लो ना आंसर आप। मैंने कहा तेरी बात तो एकदम सही है दोस्त, ओके तो इस तरफ हो गया साइन 30। नाउ टेल मी व्हाट इज साइन 30, 1/2, एंड व्हाट इज साइन 60, √3/2 माइनस 1/2, और ये 1/2 इक्वल कैसे हुए समझा? फिर वो सोच में पड़ा, हाँ अब बराबर है, ऐसा नहीं कर सकते, समझ गए? ओके इंडिया में आपको एक से बढ़कर एक लोग मिलते हैं, ओके मैंने आपको बताया था ना, मैत्री सिंह अल्लाह पांडू किंग हो, ए प्लस बी स्क्वायर के वजह से एक्सपांड करवाना हो, क्वेश्चन में पूछा था एक्सपांड, तो उस बंदे ने एक्सपांड किया, देखो ऐसा नहीं करने का, बराबर है? हाँ कमलेश, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, नहीं 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 एक्सपांड पूछो એટલે આવું કરવાનું। ओके फिर क्वेश्चन में पूछा था ऐसा, फाइंड द बिगेस्ट नंबर, वन टू थ्री फोर, 0.3, 0.7, 0.8 and 0.9। वो बंदे ने पता है क्या लिखा? ये रहा, समझ में आ रहा है? हाँ सर, उसने एकदम सही किया ना, बराबर है? हाँ। फिर आप छोटे छोटे थे तब आपने ट्रिगोनोमेट्री किया था ना, किया था कि नहीं? हाँ सर। ओके आपको एंगल ढूंढना आता है? हाँ। चलो देखते हैं, ये है वन, ये है वन, और ये है रूट टू, और यहाँ थीटा पूछा था, ओके एंड ये क्वेश्चन था फाइन थीटा 45. नहीं रे सरदार, कैसे आंसर करेगा? सरदार ने बोला ये टन टन एंड हियर इट इज, ये कौन सरदार? अरे यूट्यूब पे देखा? नहीं दोस्त, मैंने ऐसे लाइव देखे हुए लोग, ठीक है? अभी अभी एक नाम मिली अपने को, ध्वनि सिंह, ओके और ये वाला तो शायद तुम्हें समझ में आए, सीरियसली मतलब मैंने उस दिन अपनी जिंदगी में देखा, सरदार लोगों की सोच तो यूनिक होती है।
मैं उनको अपने 11th का ही टॉपिक पढ़ाऊंगा अभी, आपको भी पढ़ाऊंगा लिमिट का. तो मैं उनको ऐसे समझा रहा था कि 1 के नीचे अगर 0 आ जाए ना तो वो इन्फिनिटी होता है, बराबर है? ओके, तो अब देखो आप जरा समझ लो. ऐसा लिखा हो लिमिट x टेंड्स टू 5 और नीचे x माइनस 5 आए ना, तो आंसर क्या? इन्फिनिटी. लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 7 और 1 अपॉन x माइनस 7 आ जाए ना, तो आंसर इन्फिनिटी. ओके, मेरे कहने का मतलब ये था, लिमिट मतलब वो वाली वैल्यू रख देने की. ओके, और उस दिन पता नहीं मैंने उनको क्या, अब देखो नसीब खराब था मेरा. ओके ठीक, अब ये टॉपिक मैंने ऐसे समझाने की शुरुआत की कि देखो बच्चा लोग, अगर नीचे जीरो आए तो आंसर तुम्हारा इन्फिनिटी है, ठीक है? और मैंने सिखाने वक्त पहला सम मैंने ये ले लिया, लिमिट x टेंड्स टू, सॉरी क्या गलती कर दी, हाँ लिमिट x टेंड्स टू 8 1 अपॉन x माइनस 8, क्या आएगा आंसर बोलो? इन्फिनिटी. इन्फिनिटी बराबर है. और ऐसे ही खाली जस्ट ऐसे ही नॉर्मल बातों में मैंने पूछ लिया कि लिमिट x टेंड्स टू 4 1 अपॉन x माइनस 4, क्या आएगा आंसर? सारे बच्चों ने बोला इन्फिनिटी. सरदार बोलता है मेरा डाउट है. पूरे क्लास में उसका नाम मंजीत था, एंड हंसी मत उड़ाओ, अभी वो हेलीकॉप्टर पायलट है इंडियन आर्मी में. ओके, और मेजर बन गया है वो, बराबर है, अभी अगले मतलब अगले साल कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल बनने वाला है, ठीक है? तो उसने डाउट पूछा कि ये गलत है, इसका आंसर क्या आना चाहिए, ऐसा नहीं आना चाहिए, मुझे बोलता है. और पता है उसने मुझे क्या बोला? मैं उसके पास गया ना तो उसने बोला इसका आंसर ये आना चाहिए. लेटा हुआ फोर. यस, तो मुझे तब तो समझ में नहीं आई. मैंने उसको ऐसा बोला, यू नो दैट टाइम तो आई वाज अ मैथ्स टीचर की आत्मा ना, तो मैंने बोला बेटा ऐसा कोई सिंबल ही नहीं मैथ्स में. एंड देन ही एक्सप्लेन मी कि सर कि आपने यहाँ पे ये रखा था, ओके तो आपने इसको उल्टा किया, तो इसको उल्टा करके तो यही आएगा ना. मैंने कहा ओ भाई भाई तेरे में तो दिमाग है यार. तुम लोग मतलब समझ ही नहीं पाए ना बात उसकी. तब जाके मैं उस दिन तो रात को मुझे नींद में भी हंसी आ रही थी कि क्या यार बंदे का दिमाग रहे खतरनाक. ओके, तो थोड़ा अलग सोचो. जब सिखा रहा हूं ना स्टार्टिंग की 5 मिनट में, तब जितने डाउट्स होंगे ना वो निकाल दो, बाद में अप्लाई करने का टाइम है, बराबर है? चलो और एक लास्ट, cos 2 cos 13x by 2 into cos x by 2. Come on, start. cos 8x plus cos 6x. cos 7x upon cos 6x. cos 7x plus cos 6x. Very good. Chalo. Ab. Ready ho? एक्सरसाइज 8.1 करना है. मैं एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि आप स्ट्रगल करो. ओके, अब देखो यार ये तुम्हारी स्ट्रगल ही नहीं होगी अगर मैंने तुम्हें ये सिखा दिया ना. तो देखो मतलब जो मुझे करना नहीं चाहिए, दिस इज कॉल्ड स्पून फीडिंग, जो आज मैं कराता हूँ आपको. देखो ये मेरा क्वेश्चन है, सी एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ JEE. ओके, जिस दिन JEE आएगा ना तब ये फॉर्मूला बन जाएगी. आज मैं आपको एक सम की तरह सिखा रहा हूं इसको, बराबर. प्रूव दैट 4 cos x into cos pi by 3 plus x into cos pi by 3 minus x is equal to, ठीक बेटा हल्ला वैसे तो दिख रहा है, cos 3x. ये प्रूव करना है तुम्हें, ठीक है? चलो मैंने LHS से शुरू किया सम अपना,
ओके देखना, टू कॉस एक्स, इसको मैंने कुछ नहीं किया, इन टू टू कॉस पाई बाय थ्री प्लस एक्स इन टू कॉस पाई बाय थ्री माइनस एक्स, ठीक है। चलो अब इसके ऊपर टू सी सी दिख रहा है, इतने के ऊपर टू सी सी दिखा? यस सर। हाँ ये टू सी सी मैं लगा देता हूं, टू सी सी कॉस टू पाई बाय थ्री प्लस कॉस ये माइनस ये करेंगे तो कॉस एक्स, ओके। यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, कॉस इज इवन फंक्शन, क्योंकि यहाँ माइनस एक्स आया था पता है ना, यहाँ पे कॉस माइनस एक्स आया था, देखो मैंने येलो कलर का टपका किया पता चला? हाँ सर। यस सर। यस नाउ टू सर। हाँ 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 बोलो 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 सर। फर्स्ट स्टेप समझ नहीं आया। ओके ये चार दिख रहा है दिया था, चार को मैंने लिखा टू कॉस एक्स इनटू टू हो गया। बराबर हाँ। अब बची हुई टर्म्स बोलो जिया। कॉस थ्री पाई बाई टू प्लस एक्स। ओ थ्री पाई बाई टू कहाँ दिख रहा है? नहीं नहीं पाई बाई टू थ्री इनटू कॉस पाई बाई थ्री माइनस एक्स। ओके अब आपको इधर टू सी सी दिख रहा है, देखो बच्चा हाँ। जो मैं जो लिख रहा हूँ ना, ओके जरूरी नहीं है कि आप लिखो, हाँ जैसे मैं लिख रहा हूँ कॉस, अब इन दोनों का मुझे तो एडिशन करना है खाली, पाई बाय थ्री प्लस एक्स प्लस पाई बाय थ्री माइनस एक्स, ओके प्लस टू सी सी प्लस सी ना कॉस पाई बाय थ्री प्लस एक्स माइनस पाई बाय थ्री प्लस एक्स। विधि बेटा समझ में आ रहा है ना? अब देखो यहाँ से x x गया, यहाँ से पाई बाय थ्री गया, ओके तो ये क्या हो गया cos 2 पाई बाय थ्री, मैं आपको बोल रहा था ये वाला स्टेप पूरा उड़ा दो बराबर है, प्लस cos x 2x। ओए 2x क्या? हाँ 2x सॉरी, आगे बढ़े। व्हाट इज कॉस 2 पाई बाय 3? चलो देखना अभी ये तुम्हारी वीकनेस है ट्रिगो में, 120 डिग्री। कॉस 2 पाई बाय 3 कितना होता है जल्दी बोलो? 1 बाय रूट 2 बाय 2, 1 बाय रूट 2 या रूट 3 बाय 2? 1 बाय 2, 1 बाय 2 होता माइनस हाफ होता है। ओके ये मल्टीप्लाई करो अंदर क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स प्लस टू कॉस टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स बराबर। अब देखो तुम्हें इंजीनियर की तरह सोचना है, इज इक्वल टू तुम्हें क्या प्रूव करना है बच्चा लोग बोलो? कॉस थ्री एक्स। कॉस थ्री एक्स प्रूव करना है ना, तो ये माइनस कॉस एक्स जो है, अरे छी 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 छी, माइनस कॉस एक्स जो दिख रहा है आपको बराबर है वो हटना चाहिए कि नहीं? हाँ, कॉस 4x। कॉस 3x प्रूव करना है वो लाने का कि नहीं? ओके तो ये देखो अभी तो मैंने सिर्फ सेटिंग मारा, ये हट गया ये आ गया,
ओके अब मैं आपको यहां से समझाता हूँ बच्चा लोग, यहाँ 2cc दिख रहा है, ये गलती है एक छोटी सी, यहाँ पे क्या है 2 cos 2x into cos 2x cos x है, बराबर है ना। 2cc क्या होगा, C plus C. वापस करता हूँ अब मैं आपको यहां से ये समझा रहा हूँ, 2cc c plus c, तो देखो ये फर्स्ट एंड लास्ट कट हो गया, आ गया ना मेरा आंसर, हुई ट्यूबलाइट। और सर देखो cos x into -half plus cos 2x, तो सर cos 2x होगा ना, वो cos x नहीं होगा, नहीं डार्लिंग मल्टीप्लिकेशन ऐसा होगा 2 cos x into -half plus 2 cos x into cos 2x, अब ये देखो 2cc है, कौन आगे रहे कौन पीछे रहे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बात समझ में आई? नहीं। ना खबर पड़ी। पर क्या ना खबर पड़ी? 2 cos x (-1/2 + 2x) (-1/2 cos 2π/3) ની વેલ્યુ છે, હા એ તો ખબર પડી ગઈ, પછી ખબર ન પડી, મલ્ટીપ્લાય કર્યું 2 cos x ને અંદર, પર સર ઓ દૂસરી વાર cos x કાસે આયો, હા નીચે વાળે સ્ટેપ માં, અચ્છા 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 સમજ ગયા મેં તમારું નામ સમજી ગયા, a into b plus c હોતા હો ના તો એસા નહીં હોતા ab + c, એસા હોતા ab + ac, હા તો યે Yes, sir. 2 cos x जो है वो इसको भी मल्टीप्लाई करेगा और वो इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, ब्रैकेट खोलवाना जो हो रहा हूं, हां हां थैंक यू वनी सिंह सिखवा रहे सर, मानस की भूल થઈ જાય, हां હવે તારું નામ તો આથી ધ્વની સિંહ જ રહેશે 2 વર્ષ, તમે જેટલું બોલતા રહો ને એટલું મતલબ યુ નો આઈ કેન આઈડેન્ટિફાઈ વસ્તુ છે, જે લોકો બોલે જ નહીં ને દે આર નોટ ગોઈંગ ટુ ગેટ એનીથિંગ ફ્રોમ મી, બરાબર છે, ડેફિનેટલી આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ગેટ સમથિંગ ફ્રોમ યુ, ધેટ ઇઝ મની, વિટામિન એમ, સર પછી એવું ના કહેતા કે હવે આમ ચૂપ થઈ જા, ના 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 નેવર, તમે બહુ રોંગ માણસને સલાહ આપો છો બોલવા માટે, ના ના બાકુ ના આપો દોસ્ત, મારે આજ દિન સુધી કોઈ દિવસ 20 વર્ષમાં હસતા ખેલતા બોલતા માણસો જોડે પ્રોબ્લેમ થઈ જ નથી, પ્રોબ્લેમ ઉની લોકો સે હોતી હૈ જો મતલબ બોલતે નહીં હૈ, સર એક ટાઈમ આવશે તમારે કેવું પડશે, હવે બસ ચૂપ બસ ત્યારનું જોયું જાય, problem with the honest people are they are not trustworthy, and I am telling you very honestly that I am a liar, so you can always trust on me, kaun si movie ka dialogue hai, Pirates of Caribbean, yes sir, ye aapne dusri baar bola, mujhe laga isliye bola isne, maine series bhi watch ki nahi, आप लोगों ने वो देखा ये क्या नाम, अरे यार मैंने देखी अभी देखी थी आर्या, हाँ सर मस्त है, बहुत बहुत स्टार पर छे, हाँ बहुत स्टार पर छे,
બહુ જ મસ્ત હતું અને ક્લાઇમેક્સ તો મને બહુ જ ગમ્યું. ખબર પડી ગઈ હતી પહેલા. હા એ મને ક્યારે ખબર પડતી જયારે પેલો કે છે ને મેં તો સબ ચાલ ચલતા હું ઉસકા બાપ. સ્પોઈલર નહીં, સ્પોઈલર નહીં સર, જોવા દો ને. અરે સ્પોઈલર જેવું કશું નથી, એનો બાપ ને એનો ભાઈ બધા જોવા દો. એનો હસબન્ડ સારો માણસ હોય છે. બસ બસ આટલું જ છે, બીજું કઈ નથી. દોલત નો મીનિંગ શું થાય મને કહો. તબલા ના ડ્રમ. ક્યા દોલત મતલબ પૈસા કિસી કો માર સકતા હૈ? દોલત હા શાયદ. તમે બધું કહી દીધું. હા બસ મને ખબર છે, મને આખું બધું બાર પાડને. તો દોલત કિલર હોતા હૈ. દોલત દોલત તો આદમી કા નામ હોતા હૈ. કિલર જો હૈ વો દોલત હૈ, યાદ રખના. બસ હો ગયા સસ્પેન્સ. નો એપિસોડ દેખને કી કોઈ જરૂરત નહીં હૈ, સીઝન 1 બોલ દી મેને પૂરી. ધ્વનિ સર આલ દી તુ સ્પોઈલર રહેવા દે. પણ ધ્વનિ અગર સુષ્મિતા સેન ની ફેન હોય ને તો જોજે. હા એ તો જોવાની નથી પણ જોઈ લઈશ. અરે બહુ મસ્ત દેખાય છે. ચલો હવે જો નેક્સ્ટ. આમ રેડી? cos 10 cos 30 cos 50 cos 70 cos 10 cos 30 cos 50 cos 70 is equal to prove karna hai 1 by 16. shuru kiya jaye 1 by 16. isme se ek to famous value nikal gayi aur ye cos 10 aur ye kon cos 60 aur ye kon cos 70 to sir ye 60. મેં ક્યાં કરતા હું બચ્ચા લોગ યહાં પે એક 2 ડાલતા હું. ઓકે દિખ રહા લાલ કલર કા 2 ડાલા મેને. ઓર વો 2 નીચે ભી ડાલ દેતા હું, દેખા. યસ. So this is equals to 1 by 2. Okay? Cos 30 ki value kitni hoti hai? Root 3 by 2. Into cos 10. Chalo, ab bolo. What is 2cc? C plus C. C plus C. C plus C. 20. Ah. Itni chamki samajh, sabki chamajh gayi itni? Haan. Yes, sir. अब ये cos 120 कितना? माइनस देखा फिर से भूल गए 1/2 प्लस cos 20. ठीक है. सो दिस इज इक्वल्स टू, अब ये मल्टीप्लाई होने जा रहा है माइनस cos 10 अपॉन 2 plus cos 20 into cos 10. अब ये मैंने 2 यहाँ लगाया और एक 2 नीचे लगा दिया, पता चला चलो समझ में आया. हाँ सर. ना बोलो 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 डाउट बोलो. 2 कहाँ लगाना है? 2 તમે ડિસાઈડ કરી દો કે 2 કઈ મૂકવો છે. હા સીસી કરવું પડે, 2cc હોય તો જ ફોર્મ્યુલા લાગે, એટલે 2 લગાડવું પડે. 2 ફ્રી કસે ભી થોડી 2 લગાડ દે. મતલબ સર હર જગ્યા 2cc જ્યાં દેખાય ત્યાં લગાડવાનું. એટલે જ્યારે જ્યાં 2cc નહીં સીસી ખાલી દેખાય ત્યાં લગાડવાનું. આપણે 2cc ફોર્મ્યુલા હોય ને તો ફોર્મ્યુલા લાગે બરાબર. ઓકે નાઉ માઇનસ cos 10 by 2 પ્લસ, અબ યે 2cc કી ફોર્મ્યુલા બોલો. cos 30 cos 30 ઇનટુ ક્યા પ્લસ cos 10 પ્લસ cos 10 ડિવાઇડ બાય 2. અરે પ્રૂફ ટેક માં 3/16 છે, 1/16 નથી, સોરી.
अब कुछ समझ में आया? देखो यहाँ पे क्या बचा, माइनस कॉस 10 प्लस कॉस 30 प्लस कॉस 10 अपॉन 2, तो ये दोनों कट हो गया. व्हाट इज कॉस 30? रूट 3 बाय 4. आई गौ ने अबे जो 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 सांभळो मारी वात. આ હતી ઇજ્જતથી મેથડ અગર કરવાની વાત આવે કેલ્ક્યુલસ તો બરાબર. હવે હું તમને જેડબલી લેવલનું શીખવાડું છું મેથ્સ. સી જબ વાત જેડબલી પે જાતી હે ના તો હમને આગે એક સમ શીખા થા. દેખો યે સમ શીખા થા ઓકે. ચલો તો યે સમ મે ધર્મેશ બાપુ ક્યાં કહે ગયે થે બચ્ચો સે વો દેખો જરા. કે જિસ દિન યે દેખો लाल अक्षर में देखो, जिस दिन 4 cos थीटा के साथ बैठेगा और वो 60 माइनस थीटा के साथ बैठेगा और वो अरे सॉरी 60 प्लस थीटा के साथ बैठेगा और वो cos 60 माइनस थीटा के साथ बैठेगा बराबर. तो दिव्यो सज्जनो इसका आंसर होगा cos 3 थीटा. बात समझ में आई? हाँ सर. फिर से बोलो मेरे साथ. 4 cos थीटा into नहीं बोलो 4 cos थीटा cos 60 plus थीटा 60 plus थीटा then cos 60 minus थीटा 60 minus थीटा वो आंसर आएगा cos 60 थीटा. अब आते हैं अपने वापस इस पे, ये सम के अंदर. ओके अब देखो ये सम है मेरा. हाँ चलो इस सम के अंदर मैं येलो कलर की इंक यूज कर रहा हूं वो देखो आप बराबर है. चलो ये कॉस 30 को साइड में फेंको, फेंका बराबर. अब ये देखो ये कौन है cos, बोलो 10 10 डिग्री cos 10 डिग्री. यस ओके. ये कौन है, ये कौन है बोलो cos 50 डिग्री 50 डिग्री. अरे नहीं यार cos 60 माइनस 10 डिग्री. आ कौन जे 60 plus 10 degree. समझ में आया क्यों? अल्लाह यार तमे पाचो आसम भूली गया. बोलो जो अहिया बोलो इसमें एक मिनट, ये प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता. ये यहाँ माइनस हो और उधर प्लस हो फर्क पड़ता नहीं है. ठीक है दोनों प्रोडक्ट में ही है ना. फिर से बोलो ओके कैसे बोलते वो. चलो बोलो 4 cos थीटा cos 60 cos 60 cos 60. अभी देखो थीटा के बदले में कौन है? टेन. ओके तो इतने का हिसाब क्या होगा cos 3 थीटा 3 इंटू 10 डिग्री cos 30. और एक बाजू कौन है cos 30 है नीचे 4 आया. यहाँ मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी गड़बड़ थी. cos 3 into 10 डिग्री क्या होगा बोलो? 30 डिग्री. 30. हाँ ना बोलो cos 30 कितना? root 3 by 2. root 3 by 2 और ये नीचे 1 by 4 तो पड़ा आज था. आई गॉट आंसर एक स्टेप में. हाँ आई गॉट. चमकी तुम्हारी? हाँ मारी थी. हाँ यस सर. हाँ
તમારે રિસર્ચ કરવાનું, સમજ્યા? આ ફરીથી સમજાવવાનું ના ખબર પડી. સો એટલે એ મેં એપ્લાય કર્યું. હવે જો ફરીથી એપ્લાય કરું, હા, જોજો જોજો લખો ક્વેશ્ચન. બસ માઇક બંધ કર વારીસ. થેન્ક યુ દોસ્ત. एंड कॉस 160 इसके बदले में प्रूव करना है माइनस 1/8. ओके, तो देखो आपको क्या करना है, आपको तो सब हर एक बार 2cc लगाने का, बराबर है? अब मैं आपको ट्रिक सिखाता हूं. जी ये कॉस 40 है, ये कॉस 80 है. अब देखो दोस्तों, ये कॉस 20 है और आगे माइनस साइन आ गई, पता चला क्यों? नहीं ना, तो देखो यार अब ये छोटी छोटी चीजें सिखाने का मजा ना आवे, बराबर है? 160 डिग्री बोले तो कॉस 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री. अब आप ही बोलो 180 डिग्री कहाँ आता है? इधर आता है माइनस 20 डिग्री, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट. तो यहाँ पे वो वाली फॉर्मूला आई, कौन सी? कॉस पाई माइनस थीटा. What is cos pi minus theta? Cos theta. Minus cos 20. कैसे आया पता चला? हाँ. Yes. हाँ बोलो. हाँ. हाँ. तम सूरीला हाँ बोलो. हाँ. 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 लंबा हा बोलो. अब आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या है? cos 20 है, दिखाई दे रहा है. फिर क्या है? 60 प्लस 20, 60 माइनस 20. वेरी गुड दोस्त, वेरी गुड. cos 60 माइनस 20 दिखाई दे रहा है एंड cos 60 प्लस 20 दिखाई दे रहा है. अब शादी करने में किस चीज की कमी है? बोलो 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 बोलो. 4 नहीं, लाल कलर का 4 बोलो. ठीक है, एक 4 ऊपर डाला, एक 4 नीचे डाला. ठीक है, चलो शगुन पूरा हुआ. अब ऊपर वाले को देखो, इसको देखो, पढ़ो इसको. 4 cos 20 cos 60 माइनस 20 cos 60 प्लस 20. तो क्या आएगा आंसर? माइनस cos 60. cos 60 अपॉन 4. cos 60 કેટલું થાય? ભલે ના આવડતું હોય, પણ આ લખવાનું છે. માઇનસ 1/8. ચમકી. હા, યસ સર. હા, પહેલા સ્ટેપમાં 40 ને થીટા લઈને 120 પ્લસ 40, 120 માઇનસ 40 કરીએ તો? ડાર્લિંગ ફોર્મ્યુલા જો, બાપુ એ શું કીધી ફોર્મ્યુલા? અચ્છા 60 હોવું જોઈએ. ઓકે ઓકે, 60 જ હોવું જોઈએ, એટલે આ 160 ને મારે રિડ્યુસ કરવું પડ્યું, સમજો? યસ સર. સર, હા સર, માં cos માઇનસ cos 20 કેમ ન લીધો ઇનટુ cos 60 સાથે? સેકન્ડ લાસ્ટ તમે આન્સર લખ્યો ને માઇનસ cos 60/4. હા, તેમાં માઇનસ cos 20 મલ્ટીપ્લાય નહી. એ યાર તું બોલ્યો તો તને કઈ ખબર જ ના પડી. આ આખાનું છે cos 3 થીટા. અચ્છા, 4/4. જો તને જોવું હોય તો હજુ ટેકનિક જોઈ લે. અહીંયા આખાનો હિસાબ જો, cos theta cos 60 આ ત્રણ ટર્મ નો થાય મળીને.
बट आपको होमवर्क में क्या करना है, आप क्लियर हो ना? तो करा रहे सर। आपको तो ये नहीं करना है, आपको मजूरी करने की, जैसे मैं कर रहा था शुरू शुरू में, समझे आप? नहीं, ये नहीं करते। नहीं यार, ये तो मैंने आपको सिखाया कि एक ये एक अलग अप्रोच है, ठीक है? आपको तो हर वक्त 2cc 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 मजूरी करनी है आपको। अरे सर, आओ क्या, नहीं चाले। अरे आ तो तुमने, तुम्हें एक डोट डाया कहीं बनिया अत्यार थी, अजू तो तुम्हें सीखो छो, आ तो मैं तुमने एडवांस लेवल नो सिखवाड़ी हूँ, तब मैं अजू पूरा जूनियर केजी तो क्लियर करो। और बड़ी तुम्हारे क्यों मजूरी करवानी है, जो साइन 20 साइन 40 साइन 80 छे एक क्लास सम बराबर, साइन 20 साइन 40 एंड साइन 80 छे बराबर। अब जो आमा भी फॉर्मूला होय पाछी, अबे एक कॉस नहीं हो, एक साइन नहीं हो, ये बड़ी अलग अलग होय, पर तुम्हारे तो मजूरी ज करवानी। चलो अबे तुम्हारे शू करवानो छे, एसएस में फॉर्मूला केवी होय, बोलो 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 बोलो, माइनस 2 एसएस होय। ओके चलो, कोया बे लेवा छे बोलो, साइन 20 साइन 40 કોઈ પણ બે લેવાય, કોઈ 20 40, યસ વેરી ગુડ। ઓકે હું હંમેશા મોટા બેને જ લઈ લઉં પહેલા, બરાબર છે? ચલો જોઈ લો, બોલા 2 sin 20, ઓકે સોરી 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 માઈનસ sin 20, ઓકે માઈનસ 1/2 કરી જ નાખ્યું અહીંયા। ચલો sin 20 ઇનટુ વોટ, माइक बंद रख जी। कुश्ती वीडियो ऑन रखते, माइक बंद रख। चलो ये स्टेज समझ में आया सबको? हाँ यस सर। ओके हवे माइनस 1/2, चलो बोलो माइनस 2 एसएस क्या होता है, बोलो बोलो। सी माइनस सी, सी माइनस सी, कॉस 120 माइनस कॉस 40, ठीक है? अब कॉस 120 कितना होता है, √3/2 माइनस 1/2। अरे वाह, माइनस 1/2 साइन 20 डिग्री, ये भी माइनस 1/2, चलो मल्टीप्लाई करो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, साइन 20/4 माइनस माइनस प्लस 1/2 कॉस 40 इंटू साइन 20, समझ में आ रहा है सर? हाँ सर। क्या करेंगे भैया, बे बे लाल कलर नो 2, तुम भूली जाओ जो यार। अब देखो ऊपर 2cs दिखा, ओ दिखाई दिया। चलो 2cs का हिसाब बोलो, s माइनस s, s माइनस s sin 60 साइन 60 माइनस साइन 20, और ये कौन है, और सबका एलसीएम बोलो, सबका मालिक 4, सर इसका मतलब हमें आगे माइनस 2 लगा ही देना है ना? माइनस 2 एसएस करना पड़ेगा ना, फॉर्मूला तो वही है ना? यस बराबर है। देखो आगे आंसर √3/8, सर √3/16 नहीं आएगा, √3/8
समझ में आ गया दोस्तों? होमवर्क का स्कीम आज करो तो एक बार, कल करो तो दो बार, परसों करो तो तीन बार. क्या पर? पहले सिक्स क्वेश्चन, फर्स्ट सिक्स क्वेश्चन. ओके मैं भेज रहा हूँ, एक्सरसाइज बताओ ना सर कौन सी है. सर आज करके कल भेजे तो सर कॉल का रखो ना, आज के आज कैसे करेंगे? होमवर्क फिर से बोल रहा हूँ, आज करो तो एक बार, कल करे सो दो बार, परसों करे सो तीन बार. ओके अगर तुमने आज 12:01 को भेजा तो दो बार करने का. अरे तो अपलोड थोड़ा टाइम तो लागे ना. हाँ तो बार दस बार में दस से कर दानू. सर वीडियो ना करना, पीडीएफ रखो. वीडियो तो मना ही किया ना मैंने, पीडीएफ ही बोला था. तो पीडीएफ छे बंद नहीं થઈ ગયો, ફોરમ બંધ નથી થઈ ગયો. હા સર, જો વિડિયો માં નવી નવી સ્કીમ ઘણી બધી આવશે, ઠીક છે, બંધ નથી થયો. દેખ લો સબકો હોમવર્ક મિલ ગયા? યસ મિલ ગયા. ઠીક હે, સમજ મે આ ગયા સબકો? હા સર. વેરી ગુડ ચિલ્ડ્રન,